हेलो फ्रेंड्स, रूबल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर अपनी एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कोल्ड कॉफ़ी आइसक्रीम। और कोल्ड कॉफ़ी आइसक्रीम हम किस तरह से बनाते हैं, तो चलिए देर ना करते हुए मैं ये रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है मैंने कॉफ़ी। तो ये कॉफ़ी जो मैंने ली है, मैंने 2 स्पून के करीब कॉफ़ी ली है। और यहाँ पे मैंने हाफ कटोरी चीनी ली है। तो हाफ कटोरी का मतलब है 2 स्पून अगर हमारे पास कॉफ़ी है तो इसके साथ हमें 5 स्पून के करीब या 4 स्पून के करीब हमें शुगर चाहिए। तो इन दोनों को हमें एक साथ इसमें डालना है। डालने के बाद हमें इसको बीटर से मिक्स करना है, अच्छे से फेंटना है। और इसमें कम से कम 1 से 1.5 चम्मच के करीब हमें इसमें पानी डालना है। तो पानी डालने के बाद तो मैं आपके साथ ये रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये हाफ कटोरी ली है शुगर और 2 स्पून के करीब कॉफ़ी। कॉफ़ी डालने के बाद अब हमें क्या करना है इसमें, ये देखिए मैंने ये 2 चम्मच के करीब इसमें पानी लेना है। और आप ये ना सोचिए कि इसमें पानी इतना कम है तो ये हमारी कॉफ़ी कैसे मेल्ट होगी, मतलब हमें बनाएंगे हम इसे। हमें क्या करना है कि हमें आपको इसको 10 मिनट्स के करीब वीट करना होगा। और जल्दी जल्दी हम इसको वीट करेंगे। तो वीट करने के बाद तो आप देख सकते हैं कि कितने जल्दी इसका कलर चेंज हो गया। तो मिनिमम इसको 10 मिनट्स भी लग जाते हैं कभी कभी, और 6 मिनट भी लग जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ मुझे ओनली 5 मिनट्स अभी लगे हैं। तो 5 मिनट्स में मैंने ये बीट करके कॉफ़ी रेडी कर ली है। और बीट करने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि हमारी कॉफ़ी इस तरह से गिरना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमें इतना इसको बीट करना है कि ये हमारे जो वीटर में है इसमें, तो उससे हमारी ये गिरे नहीं। तो अभी मुझे इसमें 2 मिनट्स और लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरी क्रीम को मैंने इसको कॉफ़ी को मैंने बीट करके तैयार कर लिया। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए आसानी से गिर भी नहीं रही है। और इस तरह से ये मेरी वीट की हुई कॉफ़ी तैयार हो चुकी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सी का जार एक। और मिक्सी के जार में हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये क्रीम है उसको हमें इसमें लगभग जो बीट किया हुआ जो कॉफ़ी है उसको हमें इसमें इतना इसमें 1 कटोरी के करीब इसमें हमें इसमें डालना होगा। और डालने के बाद अब इसमें जाएगा ये हर सीट है चॉकलेट का, और साथ ही साथ इसमें जाएगा मिल्क। और इसको हमें मिक्सी में चलाना है ताकि जो हमारी बीट की हुई कॉफी है वो इसमें घुल जाए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी कॉफी बनके रेडी हो चुकी है कोल्ड कॉफी। अब कोल्ड कॉफ़ी से ही हमें इसमें क्या करना है, जो हमारी कॉफ़ी है वो उसी पॉट में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। और ट्रांसफ़र करने के बाद अब हमें इसे इसमें इस तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारे पास क्रीम है, तो लगभग मैंने ये 1/2 कटोरी क्रीम ली है। और इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये ग्लास है पेपर ग्लास कॉफ़ी के ग्लासेस हैं ये, तो आज हम इसमें ही आइसक्रीम ये बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे इन ग्लासेस में साइड से चॉकलेट चिप्स को डाल देना है। इस तरह से और सभी ग्लासेस में मैं ये चॉकलेट चिप्स ऐड कर दूंगी। और साथ ही साथ इसमें जाएगा नीचे की तरफ जो हर सीड्स है हमारे पास, और जो हर सीड्स है वो हम इस तरह से इस ग्लासेस में करेंगे ताकि ये चारों तरफ चला जाए। अब जाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉफी का कोल्ड कॉफी बनाया हुआ है उसको हम ग्लासेस में डाल देंगे। ऊपर तक ना डालें, इसमें सेट होने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये सेट होने के बाद अच्छी तरह से ये जम चुकी है। और ये जमने के बाद इस तरह से रेडी हो चुकी है। और मैं इसे पेपर कप से मैं इसको निकाल कर दिखाती हूँ वहाँ ये कितनी अच्छी जमी हुई है। और देखिए जो इसमें मैंने चॉकलेट चिप्स जो थे मैंने नीचे डाले थे वो भी ऊपर की तरफ आ गए हैं। साथ ही साथ जो चॉकलेट सिरप था वो भी ऊपर से ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो
मैं इसको बाहर निकाल कर दिखाती हूँ कि ये आइसक्रीम मेरी कैसी बन के रेडी हुई है। तो देखिए मैंने एक तो निकाली है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें काटना है और यहाँ पे इस तरह से एक कट लगाना है चाकू से, और इस पेपर को हम यहाँ से फाड़ देंगे कि ये मेरी कोल्ड कॉफी वाली आइसक्रीम बनके रेडी हो चुकी है। आप चारों तरफ से इसको देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी बनी हुई है, और आप अगर इसको पीछे से भी देखेंगे नीचे से, तो जो हमने चॉकलेट सिरप डाला था वो भी इसमें है, और ऊपर तक इसका चॉकलेट सिरप आया हुआ है। और बच्चे हों या बड़े हों तो सबकी ये फेवरेट होती है, वैसे भी कोल्ड कॉफी सबको पसंद है। और आप मेरी ट्रिक से एक बार इस आइसक्रीम को जरूर बनाकर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ऐसी ही रेसिपी मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।